तो हेलो गाइस, तो देखिए मेरे था भतीजे का गांव में हमारे था प्रोग्राम, मेरे भतीजे का नामकरण था और एक भतीजे का बर्थडे था, दो दो काम थे एक साथ ही। तो मैं गई हुई थी अपने गांव और देखो ये पैर धोए, जो हमारे यहाँ हमारे गांव में ये परंपरा है कि ऐसे ना पैर धोते हैं और दक्षिणा लेते हैं। और ये आ गया गोदी में छोटा सा बच्चा, क्यूट सा प्यारा सा, जिसे मैं देखने गई थी, जिसके मैं नामकरण पर गई थी। और मैं लगती हूँ इसकी दादी क्योंकि ये मेरे भतीजे का बेटा है, तो बड़ा ही प्यारा था छोटा सा। और फिर मैं चली गई, पहले हम गए थे खाना खाने, तो हमने खाना खाया यहाँ पे, यहाँ खाना लगा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने हल्का ही खाना लिया क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो मैंने खाया खाना, खाना खा सभी लोग खा रहे थे, ये मेरा भतीजा जो बैठा है, खाना खा के मैं घर पे आ गई। घर पे आके हमने देखो पंखे में ये बच्चे को इधर ही लेटा लिया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मौसम ठीक हो रहा था। और ये मेरी बड़ी बहन है जो आपने देखा होगा फरीदाबाद में है, तो ये भी आई थी क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इन्हें भी अपने गाड़ी में ले आए। और ये है मेरे बहन की बहू, और मैं सूट भी लेके गई थी, एक सूट कर लिया था मैंने चेंज क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, तो पसीने पसीने हो गए थे वहाँ पर क्योंकि गांव में लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है और जनरेटर भी मतलब चल रहा था, इतनी गर्मी थी। ये हो रहा है कुआ पूजन, ये है मेरे भतीज बहू, भतीजे की बहू। तो हम कुआ देखो, ये मेरी बहन है, बहन मेरी डांस कर रही है और मैं भी कर रही हूँ क्योंकि वो उठ नहीं सकती, तो खाट पर बैठी बैठी कर रही है, कितनी खुशी मना रही है। ये मेरी भाभी है जो डांस कर रही है, ये मुझसे बड़ी है, मतलब सभी मेरे घर में सबसे बड़े हैं, मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। और ये यहाँ पे ढोल बजाते बजाते हम चल रहे थे कुआ पूजन के लिए, सारी तैयारी होती, सब कोई डांस कर रहे थे, ये बहू ही डांस कर रही है जिसका बच्चा हुआ, ये इसकी बहन है बहू की, मतलब सभी लोग हमारी चाची ताई भाभी ये सब लोग थे, सब डांस कर रहे थे। और ऐसे ही करते करते हम अपना कुआ पूजन के लिए निकल गए। अब उधर यहाँ पे देखो डीजे पे भी ये बच्चे हैं जो बड़ी खुशी मना रहे थे, बहुत डांस कर रहे थे, हम ऐसे ही डांस करते करते जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी मिल रही थी। और ये मेरी भाभी है, भतीजी है और ये सब हैं जो डांस कर रहे थे, मैं भी कर रही हूँ, आता तो कम ही है लेकिन फिर भी कर रही थी, खुशी मना रही थी। और ये पहुँच गए हैं मंदिर में, यहीं होता है कुआ पूजन, ये हमारी चामण भैया और मतलब सारे भगवान जी, ये भतीज बहू अन्नू की घरवाली, मेरा जो भतीजा है अन्नू, और ये मेरा सबसे छोटा भतीजा है। और ये देखो ये भी बच्चे सब आ रहे हैं, मतलब कुआ पूजन हो चुका है, हम वापसी घर के लिए चल दिए। और ये एक मेरी फ्रेंड है फिरदौस नाम है, तो उसकी मम्मी है, तो मैं उनकी मम्मी से मिली, फिरदौस की मम्मी से, और मेरी भी माँ जैसी हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड की मम्मी है तो मेरी भी माँ जैसी हैं। और देखिए मैं इनसे मिली, इन्होंने बुला लिया था मुझे, रास्ते में इनका घर पड़ता है, मिल के आ गई। और ये मैं दिखा रही थी अपने खेत की, ये हमारे खेत है, जहाँ मैं ये दिखा रही हूँ ना ये हमारे खेत है। और फिर हम घर पर जाके भी डांस हुआ थोड़ा सा, घर पहुँच ही गए थे और ये हो रहा था यहाँ पे भी डांस, ये भतीजा मेरा डांस कर रहा है। और बहू को ले लिया अंदर का घर में और बहू को ऊपर लेके चले गए, ये ऊपर वाले मंजिल पर रहती है। और देखो ये छोटा सा बच्चा क्यूट सा प्यारा सा। और फिर दूसरे भतीजे की बारी आई केक कट की, तो इस भतीजे का था बर्थडे और केक कटा, ये मेरी भाभी है जो मुझसे मिल रही है, ये भतीज बहू है, सब लोग मिले। और मेरा छोटा सा क्यूट सा मिनी ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।